हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम इस वीडियो में बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन डिटेल में डिस्कस करेंगे सो so, हीमोग्लोबिन क्या होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले का लिंक मिल जाएगा वहां आप चेकआउट कर सकते हैं वहां बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोज है सभी को एक एक करके देख सकते हैं आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि, कि किस प्रकार से ह्यूमन बींग में हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का बायोलॉजिकल फंक्शन होता है किस प्रकार से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में एक महत्वपूर्ण में, में अप्लाई कर सकते हैं स्टार्ट so, करते हैं बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ हिमोग्लोबिन सो हिमोग्लोबिन हैज टू मेन फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी फर्स्ट इज द आयरन एटम ऑफ हिमोग्लोबिन फॉर्म्स अ बॉन्ड विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज ट्रांसफर्ड टू द मसल्स फ्रॉम द लंग्स ठीक है तो बेसिकली जब हमने पिछले वीडियो में हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा था कि आप देख सकते हैं ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है तो ये हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में ये जो हिम एटम है ठीक है इसके बीच में जो है एफी एटम प्रेजेंट होता है ठीक है ये एफी मेटल एटम प्रेजेंट होता है हिम मोलिक्यूल में तो यही एफी जो है लंग्स में जो है ओ को ठीक है ये एफी लंग्स में ओटू को ग्रहण करके उनके साथ एक बॉन्ड बना लेता है और उसको फिर जो है हमारे आ, मसल्स में हमारे शरीर के बाकी हिस्सों में टिश्यूज में सेल्स uh, में जो है ये लेके जाता है और वहां पे ऑक्सीजन को रिलीज करता है बेसिक पॉइंट क्या है ये जो आयरन मेटल एटम होता है ये आयरन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है और इसको जो है ऑक्सी हिमोग्लोबिन कहा जाएगा फिर ठीक है हिमोग्लोबिन बेसिकली हिमोग्लोबिन में ही आयरन uh, प्रेजेंट है तो हिमोग्लोबिन के आयरन में ऑक्सीजन जो है लंग्स में लंग्स में जो है ऑक्सीजन uh, आयरन के साथ बॉन्ड बनाएगा और फिर हीमोग्लोबिन जो है फिर इसको टिश्यूज में या सेल्स में लेके जाएंगे हमारे मसल्स में लेके जाएंगे और वहां पे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं तो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझना यह है कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में इस प्रकार से काम करता है हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है आयरन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है और इस प्रकार से फिर आयरन ऑक्सीजन को जो है आ, शरीर के बाकी भागों में पहुंचाया जाता है इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया सेकंड पॉइंट है हीमोग्लोबिन बाइंड सीओ टू टू इट्स एमिनो ग्रुप फ्रॉम द टिश्यूज आफ्टर रिलीजिंग ऑक्सीजन टू द मसल फिर यहां पे देखिए अब आ, अब आयरन के द्वारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन को जो है मसल्स तक पहुंचा दिया गया अब मसल्स में जब ऑक्सीजन रिलीज होगा तो फिर यहाँ पे आ, मसल्स में जब मेटाबॉलिज्म वाला पूरा प्रक्रिया होगा तो वहां से सीओ टू बाहर निकलता है अब इसी सीओ टू को फिर जो हीमोग्लोबिन में जो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा उसके साथ बाइंड हो जाएगा ये सीओ टू और फिर से ये जो है लंग्स में आ जाएगा और वहां पे फिर ये आ, रिलीज कर देगा ठीक है सीओ को रिलीज कर देगा तो ये जो है मेन फंक्शन जो है है हीमोग्लोबिन का मेन बायोलॉजिकल फंक्शन हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट जो आयरन एटम होता है वो ऑक्सीजन के के साथ बॉन्ड बनाकर उसको शरीर बाकी भागों में पहुंचाता है मसल्स में पहुंचाता है फिर मसल्स में मेटाबोलिज्म वाला प्रक्रिया होता है ऑक्सीजन यूज होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है उसके बाद फिर जो है सीओ भी रिलीज होता है ठीक है आपको बेसिक पता है फिर उस सीओ को हिमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप हीमोग्लोबिन अपने अमीनो ग्रुप में उस सीओटू को जोड़ लेता है और फिर से लंग्स में ले आता है और वहां पे सीओटू को रिलीज कर देता है तो यही जो है साइकिल चलते रहता है और ये जो है मेन फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन का ठीक है तो यहां पे आप ये देख सकते हैं जब लंग्स में लंग्स में जब हीमोग्लोबिन होता है तो ऑक्सीजन को बाइंड करेगा और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर के बाकी भागों में पहुंचाएगा और फिर जब टिश्यूज में ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा तो फिर से हीमोग्लोबिन जो है अलग हो जाएगा ठीक है ऑक्सी हिमोग्लोबिन से हिमोग्लोबिन में चेंज हो जाएगा तो ये जो है मेन बायोलॉजिकल फंक्शन इतना आपको ध्यान रखना है अब एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा और किस प्रकार से आपके कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करेगा तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनोबिनियर हमने कि हिमोग्लोबिन काम करता है ऑक्सीजन मतलब है एंड द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैरियर बाइ हिमोग्लोबिन इज रिवर्सिबल एंड ऑक्सीजिनेटेड फॉर्म ऑफ हिमोग्लोबिन इज कॉल्ड ऑक्सी हिमोग्लोबिन एंड द डी ऑक्सीजिनेटेड फॉर्म इज कॉल्ड डी ऑक्सीमोग्लोबिन तो यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन uh, द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैरियर बाय हीमोग्लोबिन इज रिवर्सिबल ठीक है रिवर्सिबल मतलब कि ऑक्सीजन को लेके जा रहा है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा है मतलब रिवर्सिबल प्रक्रिया है ऑक्सीजन को कैरियर कैरी करने का जो हीमोग्लोबिन का जो काम है वो रिवर्सिबल है एंड द ऑक्सीजिनेटेड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजिनेटेड फॉर्म मतलब कि अगर लंग्स uh, में है हीमोग्लोबिन और वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है मतलब

इन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट जब ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर रहा है हीमोग्लोबिन तो उस समय जो आयरन में जो आयरन uh, में प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होता है इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब उसमें आयरन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इट इज इन द लो स्पिन लो स्पिन स्टेट एंड इज डायमेग्नेटिकट इज इन राइट सेप अलाउिंग इट टू इजली फिट इन टू द होल इन देंटर ऑफ बोर्फरिन सर्कल ठीक है पोरफायरिन सर्कल पोरफायरिन रिंग्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल में समझ लिया है तो बेसिकली क्या होता है जो आपका आयरन होता है ठीक है यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये जो है ये बाकी ये जो है पूरा पोरफायर रिंग है ठीक है अगर इसमें पोरफायरिन रिंग है जो एज अ लिगेंड वर्क करता है और इसमें कोई अगर मेटल प्रेजेंट है तो उसे मेटलो पोरफाइरिन कहा जाता है तो यहाँ पे आयरन मेटल प्रेजेंट है ठीक है तो ये बाकी जो है आपका ये पोरफायरिन रिंग होता है तो इस पोरफायरिंग रिंग में ये आयरन कैसे इजिली फिट हो सकता है उसको यहाँ पे बताया गया है तो आयरन बेसिकली अगर आयरन में प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो लो स्पिन स्टेट में आ जाएगा वो जो है डायमेग्नेटिक हो जाएगा तो ये जब प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो आयरन जो है राइट right शेप में होगा जो इजिली पोरफायरिन सर्कल में पोरफायरिन लिगेंड में जो है फिट हो जाएगा ठीक है यही पॉइंट यहां पे बताया गया है कि प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इजिली जो है वो पोरफायरिन रिंग में फिट हो जाएगा सेम इसका जो है अपोजिट होगा इन डी ऑक्सी में एफ इज फाउंड इन द हाई स्पिन स्टेट एंड इज पैरा ठीक है जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टेट जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उस समय एफी प्लस 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 टू ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा जिसमें जो है लो आ, लो उसका स्पिन होगा आ, आ, लो स्पिन स्टेट में होगा जिसे वो इजीली जो है पोटफायरिन सर्कल में एंटर कर लेगा लेकिन डी ऑक्सीमोग्लोबिन में जो एफ प्लस प्लस है इसमें भी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होगा लेकिन ये जो है हाई स्पिन स्टेट में होगा और पैरामैग्नेटिक होगा जिसके कारण ये बड़ा हो जाता है मतलब इसका जो साइज होगा ये एफई प्लस प्लस मतलब जो हाई स्पिन एफ प्लस इज ट्वेंटी एट परसेंट मोर देन लो स्पिन एफ प्लस प्लस ठीक है जो लो स्पिन एफ प्लस प्लस जो ऑक्सीडेशन स्टेट

Concept आपको समझ में आ गया कि अगर ऑक्सी है मतलब ऑक्सी है तो वहां पे इजिली जो है जो इजिली जो है प्रोफाइरिन साइकिल में वो एंटर कर दे कर कर, कर लेगा ठीक है जो आयरन होगा लेकिन अगर डी ऑक्सी है मतलब ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट नहीं है हीमोग्लोबिन में तो इसका जो आयरन एटम होगा वो हाई स्पिन वाला हो जाएगा जिसके कारण उसका साइज बढ़ जाएगा और इजिली पोरफाइर रिंग में जो है वो प्रेजेंट नहीं कर पाएगा इतना बताया गया है एंड थर्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ एफ प्लस प्लस एंड ऑल्सो डिस्टॉर्ड द सेप ऑफ कॉम्प्लेक्स अब ऑक्सीजन जो है आके जुड़ गया आयरन एटम से तो डेफिनेटली उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होगा अरेंजमेंट होगा वो चेंज हो जाएगा ऑक्सीजन का है ना ये पूरे हीमोग्लोबिन का जिसके कारण उसके सेप में भी जो है और कॉम्प्लेक्स में भी कमी आ जाएगा जिसके कारण यही पॉइंट बताया गया है कि ईजिली जो है ये पोरफाइन रिंग में जाएगा सेप कम हो जाएगा तो और सेप बढ़ जाएगा तो इजिली जो है वो पोरफाइन रिंग में एंटर नहीं कर पाएगा यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का है ऑक्सी हीमोग्लोबिन सिंपल सा है यहां पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है आयरन के साथ ठीक है आयरन के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया है एंड डी ऑक्सी हिमोग्लोबिन मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है आयरन के साथ ऑक्सीजन जो है बॉन्ड नहीं बनाता है मतलब ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है अगर ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो आपका ये यह ऑक्सीहीमोग्लोबिन हो जाएगा और अगर ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ है तो यह डिऑक्सीमोग्लोबिन हो जाएगा प्लस रिलीज ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन अगर बाय बिंग रिप्लेस बाय एच अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर ऑक्सी हिमोग्लोबिन से रिलीज हो जाएगा तो यहां पे जो है ये इसको कौन रिप्लेस करेगा H2O रिप्लेस करेगा हीमोग्लोबिन में आ, जैसे कि ये आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसमें जो है एच जुड़ा हुआ है तो इस एच को जो है ऑक्सीजन रिप्लेस करता है जब ये लंग्स में जाएगा हीमोग्लोबिन ठीक है इतना आपको समझना है अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको जनरली टू मार्क्स में पूछ लिया जाता है कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या होता है इसी से रिलेटेड है तो कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या है हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ फोर सब यूनिट वेन सब यूनिट बाइंड विद एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इट एफ प्लस प्लस मेटल इज कंप्रेस एंड एंटर द होल ऑफ द साइकल ठीक है जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वही है हीमोग्लोबिन चार सब यूनिट से मिलकर बना होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है इसमें चार सब यूनिट है ये एक आ, हीम, हीम आ, ये एक हीम आइटम है ये एक हिम ये एक हिम ये ही चार हिम सब यूनिट मिलकर एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वही यहाँ पे बताया गया है कि वे अ सब यूनिट बाइंड विथ ओ टू मॉलिक्यूल जब एक सब यूनिट ठीक है अब चार सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है तो कोई एक सब यूनिट अगर जो है ओटू के साथ बाइंड कर लेता है ठीक है, है? मान लो कोई एक आ, हीम जो है ओटू के साथ बॉन्ड बना लिया तो जो एफ प्लस प्लस मेटल आयन है वो कंप्रेस्ड हो जाएगा ठीक है इजिली इंटर कर लेगा होल में ठीक है पोरफाइर रिंग के तो इसी कारण जो है दिस इंक्रीज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ ऑक्सीजन टू द रिमेनिंग थ्री यूनिट ठीक है तो अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ठीक है अगर एक जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेगा एक हिम तो बाकी का जो एट्रेक्टिवनेस होगा वो बढ़ जाएगा ऑक्सीजन के प्रति ठीक है तो वो भी जो है जल्दी जल्दी फिर ऑक्सीजन को जो है अपना ऑक्सीजन को जो है वो इजीली जो है बॉन्ड बना सकते हैं ऑक्सीजन के साथ बाकी हिम ग्रुप तो इसी को ही कोऑपरेटिव इफेक्ट कहा जाता है देर इज हाई प्रेशर ऑफ ओटू इन द लंग्स सो मोर द मोर मोर एंड मोर ओ टू बाइंड टू द हीम ग्रुप देखिए अब ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन नहीं लंग्स में अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो लंग्स में बहुत सारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है ठीक है मतलब हाई प्रेशर है ऑक्सीजन का जिसके कारण हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को जो है अपने हीम ग्रुप से बाइंड कर लेगा एंड द लोअर द प्रेशर ऑफ ओ इन सेल्स अब सेल्स में जो है ओ यूज हो गया मेटाबोलिज्म की प्रक्रिया में तो वहां पर ऑक्सीजन बहुत कम होगा ठीक है ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत कम होगा इसीलिए जो ऑक्सीजन का जो है यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा जिसके कारण ओ को जो है हिमोग्लोबिन लिबरेटेट करता है ठीक है छोड़ता है कहाँ पे सेल्स में ठीक है बेसिक सा कॉन्सेप्ट है दोनों जो है इरिवर्सिबल हैं है लंग्स में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का प्रेशर है जिसके कारण हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को बाइंड करेगा और आ, मसल्स में या हमारे सेल्स में जो है बहुत ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत कम है जिसके कारण वहां पे छोड़ेगा ठीक है स्वतंत्र करेगा अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसफर ऑफ सीओ टू बाई हिमोग्लोबिन सीओ टू को किस प्रकार से ट्रांसफर करता है तो ड्यूरिंग मेटाबोलिज्म इन मसल्स ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू जनरेट एनर्जी एंड द एंड प्रोडक्ट ऑफ विच इज सीओ टू ठीक है तो एंड मेटाबोलिज्म uh, की प्रक्रिया में सीओ टू जो है हमारा एंड प्रोडक्ट होता है द द एक्सेसिव इज इन मसल्स दिस सीओ टू इज रिलीज फ्रॉम द टिश्यू टू फॉर्म सॉल्युबल एच सीओ थ्री ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आ, बेसिकली मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में हमारा जो एंड प्रोडक्ट होता है वो सीओ होता है सीओ टू के साथ मिलकर जो है बाई बनाएगा अब ये बाई जो है फिर ये रिवर्सिबल प्रक्रिया होती है कार्बोनिक एसिड बनाएगा ठीक है इस प्रकार से और इस प्रकार से हमारा फॉर्मिक एसिड के रूप में मतलब हिमोग्लोबिन ऑल्सो ट्रांसफर्ड सीओ टू बाई कार्बन एसिड कार्बो एमिनो एसिड ठीक है कार्बो एमिनो एसिड के रूप में भी सीओ टू को जो है ग्रहण करता है और ट्रांसपोर्ट करता है ठीक है हमने पहले डिस्कस किया जो हीमोग्लोबिन में जो अमिनो ग्रुप प्रेजेंट होगा वही सीओ टू को जो है पकड़ लेता है ठीक है और उसको फिर लंग्स में ले जाता है या फिर लंग्स में ले जाता है और वहां पर स्वतंत्र कर देता है ठीक है इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है जो अमीनो ग्रुप होता है ग्रुप होता है वही मेन काम करता है कार्बन एमिनो एसिड के रूप में जो है सीओ टू को ग्रहण कर लेगा और उसको फिर छोड़ देगा ठीक है इस प्रकार इस फॉर्म में जो है हीमोग्लोबिन uh, ग्रहण करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को और उसको फिर लंग्स में लेकर छोड़ेगा तो ये बेसिक पॉइंट आपको समझ में आ, समझना है सीओ टू ऑफ हिमोग्लोबिन के संबंध में ठीक है इस प्रकार से सीओ का ट्रांसफर uh, होगा तो ये कंप्लीट बायोलॉजिकल फंक्शन था आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिटेल uh, में एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपेरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा हमने बायोलॉजिकल फंक्शन डिस्कस किया ऑक्सीजन ट्रां, uh, का ट्रांसपोर्ट क्या हो किस प्रकार से होता है कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या है ऑक्सीमोग्लोबिन डी ऑक्सीमोग्लोबिन डिटेल में समझा ठीक है तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंप्लीट यूनिट का जिस यूनिट में आपको ये सभी टॉपिक्स डिटेल में मिलेंगे हर एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है पीडीएफ नोट्स में एक पीडीएफ में ये सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे तो अगर आपको ये नोट चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा पीडीएफ स्टोर का वहां आप चेकआउट कर सकते हैं वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड बीएससी एंड एमएससी लेवल के सारे हैं रिटर्न नोट आपको पीडीएफ स्टोर में मिल जाएंगे तो आप लिंक जरूर चेक कीजिए एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए प्लीज सपोर्ट कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब टू तो माय चैनल एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग